अच्छे से लगा दी ये होली, होली की जैसा खेलेंगे ना। आप लगेगा थोड़ा हम लगा इतना शांत रूप सही थोड़ा अच्छे से। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची स्वराज की ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे मैं मम्मी के साड़ी के साथ चूड़ी लगा दी थी, ये मैं अपना चूड़ी ले रही थी और यहाँ है मेरा कुछ मेकअप का सामान जो कि रह गया था। वह मैं पहनने वाली थी ब्लैक साड़ी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सब बोलेंगे ब्लैक ब्लैक पहन के, मतलब आना जाना नहीं करना चाहिए, और वैसे समझ नहीं आता ब्लैक पहन कब सकते पार्टी वगैरह में पहन सकते हैं, तो मैंने ब्लू ही साड़ी पहन लिया। यहाँ मैं हो रही थी रेडी, तो काफ़ी टाइम बाद जा रही थी, तो मैं थोड़ा सोची कि टाइम भी था और एक घंटे का टाइम मैंने भैया को बोला था पैकिंग वैकिंग सब चीज़ के लिए, लेकिन कम ही दिन के लिए जाना था इसलिए पैकिंग भी कम हुई और साड़ी वगैरह मैंने पहन लिया था टाइम के अंदर ही। यहाँ लिपस्टिक लगा लिया था, लिपस्टिक लगाने के बाद बिंदी मैंने सोचा लगाऊं, बट वो छोटी सी बिंदी मेरे को कुछ ज़्यादा ही छोटी लग रही थी और लड्डू मेरे को वॉइस ओवर नहीं करने दे रहा है, तो मैंने अपनी जो पुरानी बिंदी थी वही बिंदी लगा ली एंड उसका साइज़ मुझे सही लग रहा था, ना ज़्यादा छोटा ना बड़ा, ज़्यादा बड़ा। जो छोटी वाली मैंने लगाई थी वो कुछ ज़्यादा ही छोटी लग रही थी। फिर यहाँ पे मैंने अपना सेंट मारा, मतलब परफ्यूम लगाया, क्योंकि मेरे को आजकल मतलब डियो नहीं पसंद आता। डियो तो एक तो बॉटल इतना ज़्यादा यूज़ हो जाता है ना, मतलब जो देखो डियो मेरा ले लेता है, घपला कर देता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं खरीदूँगी परफ्यूम और उसको मैं रखूँगी। और यहाँ पर मेरी जो सूट पहना था मैंने, वो मैंने उसका दुपट्टा रख लिया क्योंकि मुझे जाके वापस वही सूट पहनना था, मतलब कि अभी सब कपड़े इधर उधर हो जाते, अभी मशीन में भी कपड़े डाल के आई थी मैं, तो वो सूखने को रख दिया था, तो इसीलिए मैंने किया। और मेरे साथ तो ये चीज़ होता है कि जब मैं कहीं जाती हूँ ना, मेरे बाल इतने धोखेबाज हैं कि कभी बनते ही नहीं है, एंड मोमेंट पे बिगड़ जाते हैं, लेकिन अगर ऐसे घर में रहती हूँ तो मस्त, कभी कभी बहुत मस्त हो जाते हैं बाल। आप में से किसके साथ ऐसा होता है कि जब आप कहीं जाने वाले होते हो तो आपका बाल बनता ही नहीं है ढंग से, मतलब या तो फेस पे सूट नहीं करेगा, या तो बनेगा नहीं, या तो ऑयली सा लगेगा, मतलब सब होने के बावजूद भी। तो आप लोग कमेंट करना, मेरे साथ तो ऐसा होता है क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना, मेरे बाल ही सबसे मतलब पेंडिंग में रहते हैं और धोखेबाज होते हैं, बाकी सब चीज़ें तो वैसी होती है। फिर फाइनली मैंने कैसे भी करके नॉर्मल सा हेयर वो कर लिया कि चलो सही है, लेकिन फिर मेरे को सही नहीं लग रहा था, फिर उसके बाद मैंने बोला कि रुको वापस से कर लेती हूँ। तो बस ये था मेरा फाइनल लुक और बस निकल रहे थे अब घर से हम लोग। मेरे को भी प्रिंस ने कर दिया, थोड़ा भाभी बस बस टीका रहने दो। वेट, यहाँ अब मैं निकलने वाली हूँ, उससे पहले गुंजा मेरा पैर रंग रही है, आलता लगा रही है क्योंकि खाली पैर नहीं जा जाता है, एंड पहले मैं खुद ही लगाती थी बट अब पेट की वजह से मुझे खुद नहीं बैठा जा रहा है, तो इसलिए अभी गुंजा लगा दे रही है, बाकी टाइम लगा लेती थी, लेकिन अब कोई ना कोई लगाएगा, भाभी ने तो, मम्मी ने तो, कोई भी जो भी हो, और उसी के साथ बैठ गए ये भी, एंड ज़्यादा सामान वगैरह नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि अभी जा रहे हैं फिर आना भी है। ब्लू कलर की मैंने साड़ी पहनी है और बहुत ज़्यादा भीड़ होगा मार्केट में, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे भी सब वेट कर रहे हैं, अर्णव वगैरह सब लोग वेट कर रहे होंगे, तो बस अब निकलते हैं। रूम आधा साफ़ हुआ, आधा कबाड़ी जैसा हो गया, बट अब सब लोग जा रहे हैं तो रूम लॉक होगा और बस निकलेंगे अब हम लोग यहाँ से। और इस मेरे साथ साथ मम्मी और भी गांव जा रहे हैं क्योंकि गांव पे होली ही मनता, पिछले दो तीन साल, दो साल में तो आप लोगों ने देखा होगा, पहला होली बस भाभी का यहाँ मना था। बस भैया अब आवाज़ लगा रहा है, तो मेरे को जा रहा है भैया छोड़ने और बाकी प्रिंस जा रहा है मम्मी पापा को लेके, फिर प्रिंस आ जाएगा। एंड अरे बाबू क्या कर रही है जी, तो प्रिंस जी आप खुश तो बहुत होंगे कि हम जा रहे हैं होली में, रंग पहले ही लगा लिया है। हाँ खुश खुश तो है, अभी दुखी है कि व्लॉग एडिट कर रहा है। चलो ये वॉच लेके जा रहे हैं हम, जीजू वॉच पहन लेंगे, ये मैंने शादी में उनको गिफ्ट किया था, तो मेरा पहला गिफ्ट था ये वॉच। तो बस हो गया सारा कुछ पैक, क्या कर रही है, होली खेल रही है ये अब गुंजा, हाँ लगा लगा करके पूछ रहे हो तो होली लग गया, चलो पकड़ो तो थोड़ा एक बार, देखो मम्मा क्या कर रही है, आ जाओ भाभी को लगाएंगे। हैप्पी होली पूरा भारत,
चलो बैग उठाओ। रीलो नहीं बना उतना का उठा रही है। अच्छे से हम तो खेलेंगे आपके साथ, नहीं खेलेंगे अच्छे से खेलेंगे। थोड़ा सा स्किन में पूरा प्रॉब्लम है। कुछ नहीं, आप पोत देंगे हम भी। कुछ नहीं, नहीं अच्छे से लगा देंगे। होली है तो होली के जैसा खेलेंगे ना। आप लगेगा थोड़ा हम लगा है इतना शांत रूप सही बोल रहे थोड़ा बंदर बना दीजिए तब अच्छा लगेगा। ये बहुत चालू है, आलता लगा रहा था। सो यहाँ पानी भर लिए और मिठाई खरीदने का पैसा, और बस अब निकलते हैं, पीछा नहीं लेते भाभी बाय। और सबसे मेल मिलाप कर चुके हैं, आप लोग कमेंट मत कीजिए क्योंकि भैया यहाँ पे कार क्लीन कर रहा है देते हैं। नेक्स्ट व्लॉग ससुराल से होगा, लास्ट व्लॉग में भी यही बोला था। तो छोटा सा व्लॉग होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। हम लोगों ने होली खेल लिया, अभी तो यहाँ मायके की होली हो गई मेरी, अब होगी ससुराल की। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड कीप शेयरिंग एंड लविंग। ओपन सनरूफ खुल गया। शेयरिंग इज हाईवे पे। तो अभी मेरा मुंह पे से लाल लाल हो गया है क्योंकि भाभी लगा दी थी अभी। एंड मिठाई खरीदा है तो पड़किया मैं खरीदी हूँ, पता नहीं मेरे को पहली बार अपूर्वा में पड़किया दिखा, शायद अच्छा होगा। तो मैंने कम ही लिया है, 5 ही पीस लिया, हम लोग की गाड़ी में खाने के लिए लिया है क्योंकि भूख लग रही है मस्त वाली। आर यू हंग्री, चाहिए? Do you want? Hungry? क्या हुआ? तो अभी अब शाम हो चुका है, अब हम लोग निकलते हैं। पहले अब हम लोग खा लेते हैं आराम से। सो गाना सुनते सुनते हम लोग निकल गए नॉर्थन के लिए। नॉर्थन मेरे घर से 20-25 किलोमीटर दूर था, तो बस तो मैं पहुंच गई अपने ससुराल। गाइस ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।